वाल्मीकि रचित रामायण बालकांड का द्वितीय सर्ग। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। रामायण काव्य का उपक्रम। तमसा के तट पर क्रौचवत से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्र में काव्य के निर्माण का आदेश। देवऋषि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवऋषि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के दो ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए जो गंगा जी से अधिक दूरी पर नहीं थी। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, भरद्वाज देखो यहाँ का घाट बहुत सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तात यही कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। उनके पास ही क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़े मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, निषाद तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई, अहो इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह चार चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी आठ आठ अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा ये वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यश स्वरूप होना चाहिए अन्यथा नहीं। मुनि की यह बात सुनकर उसके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ आपका ये वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े।
फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भारद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्म के ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा रहा। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि जी से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल ना सके। तत्पश्चात उन्होंने पात्र अर्घ्य आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि बैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मन स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मन, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का वर्णन करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृतांत है तथा लक्ष्मण सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी के परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियां और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे, हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले चार चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वह था तो उनके हृदय का शोक किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथायोग्य निर्वाह हुआ है।
इसकी रचना में समता अर्थात पतत प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है। पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद, आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।